मान साहब नू कोई हक नहीं है कि भगत सिंह जी जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो मैं समझता कि इस तरह की टिप्पणी जो सिमरजीत सिंह मान साहब ने भगत सिंह जी के बारे की है, ये बहुत निंदाजोग है। तजुर्बा राजा वड़िंग हूँ तीजा चुनाव नेरी च जितया है, कैबिनेट मंत्री 5 साल रह के बलबीर सिंह सिद्धू 44,000 वोटों के फर्क न उड़ गए ने। तजुर्बा ऐसा केड़ा जिहड़ा सिद्धू साहब कोले तजुर्बा जिहड़ा मेरे कोले है नहीं। सरकार ने बड़ी स्मार्टली पंजाब की विधानसभा दे विच रख्या कि असी एक इंडस्ट्रियल पार्क बना जा रहे हैं कुंभ कलां। लोगों का जनता का विरोध देखा होगा और चंगा फैसला, चलो यू टर्न लिया। अज की मीटिंग का जिहड़ा एजेंडा हैगा वो श्रीमती सोनिया गांधी नू 21 तरीक नू जिहड़ा ईडी वल्लों बुलाया जा रहा है और ते चर्चा करनी है कि किस प्रकार और लड़ाई लड़नी है, क्योंकि समय समय दियां सरकारां और खास करके बीजेपी सरकार ईडी द्वारा और एजेंसीज दे द्वारा लोकतंत्र की आवाज़ नू बंद करना चाहते हैं। तो उस तरह किस प्रकार का संघर्ष होना चाहिए, किस प्रकार की लड़ाई होनी चाहिए है, एक तो वो हैगा। एक जी साढ़े देश की 75वीं जड़ा आज़ादी का जड़ा हैगा दिवस हैगा, उन्हों असी किवें मनाउणा है, ये साढ़े कोले हैगा कि असी लोग 75 किलोमीटर की एक पैदल यात्रा जड़ी हर जिले दे विच असी वो करांगे। और ही रूपरेखा दे हेठ इन दोनों मुद्दों ते, और तीसरा जिस प्रकार निरंतर वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रही है पंजाब दे अंदर, पंजाब सरकार द्वारा साढ़े कुछ लोगों नू तंग परेशान किया जा रहा है, इन तमाम तीन मुद्दों ते अज की मीटिंग च मैनू लगता चर्चा रहेगी। हाँ जी, मैनू लगता कि मान साहब नू कोई हक नहीं है कि भगत सिंह जी जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और 23 साल की उम्र च फांसी का फंदा आपके गले नू लाया, वो शहीद आजम भगत सिंह जी नू ना केवल पंजाब च पूरी दुनिया च जिहड़े नौजवान ने साडे लोग ने उन्हां नू सलाम करदे ने उन्हां दे जज्बे नू उन्हां दे जज्बातां नू। सो मैं समझदा कि इस तरह की टिप्पणी जो सिमरजीत सिंह मान साहब ने भगत सिंह जी दे बारे कीती है, ये बहुत निंदाजोग है। मैं तो ये भी कहांगा सिमरजीत सिंह मान साहब अगर आपकी इस टिप्पणी ते खेद जताउणगे, माफ़ी मंगणगे जां आपके शब्दों नू वापस लैणगे, तां इहदे विच भी उहनां दा वड्डापण होएगा। लोग कहणगे कि चलो शाम दा भुल्लिया अगर सवेरे घर आ गया, नहीं तां इस गल नू कारी जिहड़ियां मगरलियां सरकारां च अंदोलन करदे रहे इहनां नू बड़ा लारे लाए गए और इहनां नू किसे नू कहा गया कि मैं थोड़ा भरा है, तुसी आप नीचे आ जाओ, मैं तुरंत आपको नौकरी दूंगा। लोगों नू एक उम्मीद जगाई गई, हालांकि चाहिदा ये सी कि सच कहना चाहिदा सी। अज उही ईटीटी टीचर, उही पुलिस के कर्मचारी, उही बेचारे कच्चे मुलाजम अज सड़कां ते भटकदे फिर रहे ने। उन्हां नू ये लग रहा कि उन्हां नाल फिर एक बारी बहुत वड्डा धोखा जिहड़ा सरकार ने कीता है, और इसे मेरे ख्याल विच उह दिल्ली गए। मैनू लगता कि केजरीवाल साहब नू उन्हां नू एटलीस्ट मिलना जरूर चाहिए है, और उन्होंने कोई विश्वास जताना देना चाहिए कि भाई 6 महीने या 4 महीने या 2 महीने, क्योंकि सरकार का नुमाइंदा अज उन्होंने कोई गल नहीं कर रहा। कितने उन्होंने बैरीकेडिंग ला के रोक लिया जाता, कितने पुलिस को फड़ा दिता जाता है, कई लोग बेचारे बेकिते कुटमार कर दी जाती है, जिहड़ी कि नहीं होनी चाहिए। इन्होंने खुद कहा कि टीचर की कुटमार की जो इस तरह दम की मैं निंदा करना। सो मैनू लगता कि उन्होंने अध्यापक साहबान सातों भी गलतियां हुई, उन्हां अध्यापक साहबान नू बैठ के मिलन दे नाल मसले हल हो जाएंगे। मैं भी ये भी समझदा कि सरकारां दीआं बहुत दिक्कतां होंदियां, लेकिन उन्हां नू बैठ के उन्हां नाल गलबात करनगे तां दस्सिया जा सकदा भाई भी 6 महीने नू जां 4 महीने नू असीं तुहाडा मसला सुलझा रहे हैं, क्योंकि इन्हां ने कहा सी असीं सारे कच्चे मुलाजम पक्के कर देंगे, थोड़ियां तनखावां दे विच वाधा करांगे, लेकिन हजे तक उहदे ते किसी प्रकार की कोई गौर नहीं फरमाई गई। मंथन तो यार आपस में जदों असीं ओपोजिशन च हुंदे आ तो लगातार कोई स्पैशल मीटिंग च मंथन नहीं करना हुंदा, मंथन करदे रहिंदे तमाम आदि जिहड़ियां गलतियां उन्होंने मद्देनज़र रखते रहने, की संगठन दीयां कमियां रहियां उन्हां दे विच किवें अग्गे असी उन्हूं सुधारीए
वो तो हमेशा पार्टी का हूँ 5 साल मंथन ही चलता रहेगा इस तो कुछ। चलो शुक्र है अगर उन्होंने मनी है, पर मैनू लगता कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद गंभीर होंगी जा रही है। शरेआम लोग टीविया चैनल्स से आके आपका कोई डर ही नहीं रहा यार किसी प्रकार का। और मूसेवाला साहब के परिवार ने यह गल कही है कि मैनू लगता है कि पैरलल सरकार चल रही है गैंगस्टर की। सो जरूर सरकार को इस पर तवज्जो देनी चाहिए ना। सिद्धू मूसेवाला साहब दे जान तो बाद जां पहला एक लोगों के मन दे विच पंजाब दे लोगों के मन दे विच एक सहम जिहड़ा बन गया है कि साडी सुरक्षा की है। तुसीं वेख्या होना है कि खुद मुख्यमंत्री साहब ने कहता ते तमाम MLA मंत्री साहबाना नूं उन्होंने आदि रिपोर्ट्स भी दर्ज कराई हैं कि उन्होंने थ्रैट्स आ रहे हैं। तो जे एडे एडे वड्डे लोगों जिहड़े सिस्टम नूं संभालदे उन्होंने थ्रैट्स आ रहे हैं तो आम जनता का की हाल हुंदा होएगा। मैनू तो यह पक्का यकीन है कि बड़े लोग बेचारे जिहड़े इंडस्ट्रीलिस्ट हैगे ने कारोबारी ने डॉक्टर्स ने उन्होंने थ्रैट्स आते हैं वो चुप चुपीते उन्होंने पैसे दे देंगे तो आपका काम चलाते हैं। ये बड़ा गंभीर नाल विचार नाल होता। सो मैनू लगता ये तो हमेशा असी कहते आ रहे हैं, असी हमेशा ये गल कहने हैं कि जिहड़ी आम आदमी पार्टी है वह BJP की बी थीम है। पहला नहीं लगता सी लेकिन जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, ममता बैनर्जी का सदना मीटिंग केजरीवाल साहब नूं और केजरीवाल साहब का ना कर देना इस राष्ट्रपति दी जिहड़ी वोट ते, और अज ये गल कह देना कि असी NDA की सपोर्ट कर सकते हैं, ये उस तरह की भूमिका बन रहे हैं। और ये जनता नूं हौली हौली पता लग जाएगा ये BJP की मुकम्मल बी थीम के तौर पर काम कर रही है। और जिमें BJP और RSS कहती है उस मुताबक यह चल रहे। हाँ मैं समझता कि जी परमात्मा मैं उन्होंने पहला तो बेनती करांगा कृपा करके थोड़ी जीवन लीला खत्म कर दे नाल किसी नूं किसी की कान पर कोई जू नहीं सरकनी। थोड़े परिवार थोड़िया मावं ने थोड़े परिवार वाले ने मसा थोनू इतों तक पहुँचाया व्डा किया जन्म दिता। सो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। जे जान है तो जहान है, लड़ाई लड़नी चाहिए, असी थोड़े नाल हैं एंड थोनू डट के लड़ाई लड़नी चाहिए है। आप जिन्ना चिकर शरीर जाना उन्ना चिकर असी इस तरह का कदम नहीं चुकना क्योंकि ये थोड़े परिवार का होर नुकसान हो जाएगा, मसले हल नहीं होंगे होर गंभीर हो जाएंगे। तो नाल ही नाल मैं सरकार को यह बेनती करनी चाहना यार जरा गौर फरमाओ कृपा करके, किसी नौजवान का दिल नहीं करता जहर खान को, पता नहीं और घरे कि मजबूरी है, उन्होंने जाके मिलो उन्होंने बैठो उन्होंने कम से कम उन्होंने जख्मों पर मलम लाओ। ये ना कहो कि बार च बैठे 2 महीनों के तो उन्होंने निरादर निरंतर करता रह करते रहिए तो डिमोरलाइज करिए उन्होंने, उन्होंने बैठो डॉक्टर्स नूं बिठाओ उन्होंने काउंसलिंग करो उन्होंने, थोड़ा कोई मंत्री जाके बैठ के उन्होंने गल करे और मुख्यमंत्री साहब भी खुद टाइम दे दें तो कोई ये माड़ी गल नहीं है। और क्योंकि गलबात ना मसले हल हो जाने। चलो जी उन्हों की मर्जी, जे राजा वड़िंग नहीं मंजूर सी बथेरे प्रधान बनते होंगे किसी ने कोई मैं कोई किसी ते कल्ला बंदा आके कोई रोबता मार नहीं रहा, मैं तो हरेक बंदे नूं नाल लेके चलन की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं मंजूर सी राजा वड़िंग एक राजा नहीं नहीं तजुर्बा राजा वड़िंग हुण तीजा चुनाव नेरी च जितते हैं कैबिनेट मंत्री 5 साल रह के बलबीर सिंह सिद्धू 44,000 वोटों के फर्क नाल उड़ गए ने। मैं तो बलबीर सिंह सिद्धू अगर कांग्रेस पार्टी का प्रधान हुंदा तां मैनूं तां उह वी मंजूर सी, लेकिन जिहड़ा व्यक्ति ये कहे मेरी जिंदगी मेरी उम्र 43 साल की है, मैं 3 वारी बलबीर सिंह सिद्धू MLA बन चुके हैं, 3 वारी मैं MLA बन चुके हैं, तो तजुर्बे की गल वो तो पहला इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। राजा वड़िंग तो पहले दिनों कांग्रेस पार्टी के झंडे के थले चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद का नारा हमेशा लाता रहा। मैं कदे नहीं बगावत की, मैनू 4.5 साल बनाया नहीं गया, मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रधान रहा, लेकिन मैं आपदे समय का इंतजार किया, मैंने 3 महीने ही मौका दिता, उन्होंने 4.5 साल मौका दिता, ग्रेजिज होर सन गल होर सी कहानियां होर है जनता जानती है। तजुर्बा ऐसा केड़ा जिहड़ा सिद्धू साहब कोले तजुर्बा जिहड़ा मेरे कोले है नहीं, मैं मेरे तो कोई नाराज नहीं है, मैनू कोई दस दे पहला दस दे जो शामिल हो जाते फिर उन्होंने कोई होर बहाना नहीं थोड़ा, तुम पुछते हो कि किसी डर मारे गए हो फिर वो कहते राजा वड़िंग दे तजुर्बे तो मैं तो हरेक का सत्कार कर दा। तो ऐसा किहड़ा कि तजुर्बा बलबीर सिंह सिद्धू को जो राजा वड़िंग को नहीं, ऐसा किहड़ा फॉर्मूला है, सारा एडा वड्डा परिवार, पर फॉर्मूला यह है कि राजे वड़िंग ने आपके परिवार को वड्डा नहीं किया, राजे वड़िंग ने आपके भरा मेयर नहीं बनाया,
राजे वड़िंग ने आपके भरा मुंडे यूथ कांग्रेस का प्रधान नहीं बनाया, राजे वड़िंग ने आपके पीए नू चेयरमैन नहीं बनाया, राजे वड़िंग ने छे चेयरमैन बनाए लेकिन आम लोग बनाए। सो इस करके उस नेरी दे विच जित के आया। सो मेरा किसी नाल मेरा सिद्धू साहब नाल भी कोई दिक्कत नहीं है, पर यहो जिहियां गल्लां 60-65 साल का बंदा यहो जी झूठ बोले जिन्हां दी चिट्टी दाढ़ी होवे तो चंगी नहीं लगती। वह सच्ची गल कहे कि यार मैं हुण मैं सोचा कि एवें कोई होर बला मेरे गल ना पै जाए तो मैं छड़ के बीजेपी च जा वड़ा, ये गल कर। चलो चंगा देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं समझदा कि सरकार ने बड़ी बड़ी स्मार्टली पंजाब दी विधानसभा दे विच रख्या कि असी एक इंडस्ट्रियल पार्क बना जा रहे हैं कुंभ कलां। सो 10 दिन पहला ये गल की, फिर उन्होंने देखा कि उही जंगल है जिदे ते मान साहब धरना देंदे रहे हैं ते बह जांदे सी संसद दे जां कित्थे वी ला के कि इहदा असी विरोध करदे हैं। सो मैनू लगता कि लोगों का जनता का विरोध देखा होएगा और चंगा फैसला चलो यू टर्न लिया। मैं समझदा कि जे चंगे कदम वास्ते यू टर्न भी लै लिया जाए तो चंगी गल। वैसे एक कदम तो थोड़ी यू टर्न लिया, हर तीजे दिन तो यू टर्न होंदा, एक कड़ा कोई पहला यू टर्न है। सो मैं इस गल नू भी चंगा समझदा कि मुड़ गल सुन के बई यू टर्न लै तो लिया, पर यह लोगों वास्ते बहुत चंगा फैसला होया। पंजाब की जनता वास्ते आने वाले समय च इरा कई आने वाली सदियां पीढ़ियां नूं पता लगेगा कि यह बहुत चंगा फैसला। सो असी तां यूनिवर्सिटी का मसला पहला भी विधानसभा च रख्या सी, पर मैं उस दिन भी आपकी गल कहिंदा कहिंदा रह गया। हर पार्टी उत्थे रेजोल्यूशन पास कर दिता गया कि भाई असी सारे इहदे खिलाफ हैं। बीजेपी के कुछ लोगों ने खड़े होकर कहा कि नहीं बई असी रेजोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। सो मैं ये गल इन्हों कहना चाहना है कृपा करके कि रेजोल्यूशन केवल पाउन दे नाल मसला हल नहीं होना। तुसी देखा होना असी किसानी वास्ते भी रेजोल्यूशन पाया सी ते फिर असी साडे किसान भरा सवा साल बॉर्डर ते बैठे रहे। सरकार नूं चाहिए कि एक कमेटी बनानी चाहिए है, सरकार एक सारिया पार्टियां दे दो दो नुमाइंदियां नाल एक कमेटी बनाए इहो जिहे मसलियां ते, उहदे विच बीजेपी क्योंकि फाइनली मसला हल करन दी साडी गल होनी चाहिए है कि यूनिवर्सिटी साड़ी जिहड़ी पंजाब दी है इहदा नाम नहीं बदलना चाहिए, ये पंजाब यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ये साढ़े अंडर होनी चाहिए जो रेशव चलती सी उल्टा 100% सानू मिलना चाहिए। ये कमेटी बनाए तो असी सारिया पार्टियां दे लोग तां जो लोगों नू अंतिम नतीजे तक पहुँचीए जाइए, सेंटर सरकार नू भी मिलिए। बीजेपी के लोग कहिंदे कि असी थोड़े नाल जाण नू तैयार हैं तो चलिए उन्होंने लैके चाहिए नाले उन्हां दा जिहड़ा ये चेहरा नंगा करिए। सो इस तरह के नाल इवें जी चंडीगढ़ पंजाब के लोग चंडीगढ़ मंगते हैं, साडा सदियों तो ये लड़ाई रही राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड के भी ये सब कुछ सीगा। पंजाब के लोग चंडीगढ़ से आपका हक समझते हैं और हैगा साड़ी सर जमीन है। सो इहदे ते भी सानू इहो जिहे मुद्दियां ते क्योंकि जिहड़ा पंजाबी है उन्होंने सारियां नू सानू इहो जिहे मुद्दियां ते इकट्ठे होके सेंटर के नाल लड़ाई लड़नी चाहिए है। असी ये गल कही कि सानू चंडीगढ़ हुण साडी लोड़ है, चंडीगढ़ पंजाब नू दिता जावे और जिहड़ी वक्री विधानसभा बनाउणी है तुसीं हरियाणा दी सर जमीन ते बनाई जावे। सो इन्हां मुद्दियां नू गंभीरता दे नाल विचारन दी लोड़ है। और मैं निंदा करदा मान साहब ने तो यही कहता भी सानू वक्री जमीन दिती जावे। मैं मान साहब नू बेनती करनी चाहुंदा है कि कृपा करके उस आपके बयान नू वापस लैंदिया होया भाई अकाली दल का तो मोर्चा जिहड़ा वह सारे मोर्चे दौरे फेल हो गए, हुण किहड़ा मोर्चा अकाली दल का कोई मोर्चा चलन नहीं त्याल नहीं, जिन्ना चिकर बादल परिवार उस मोर्चे च है उन्हां दा कोई मोर्चा नहीं हुण चलन लई त्यार, क्योंकि सारे मोर्चे तो उन्होंने खुद सारे पंजाब का जो हाल किया अकाली दल ने वो दुनिया जानती है। हुण अकाली दल के मोर्चे का सवाल दिए जिन्हें दो बंदे आ कोई आप ही नहीं जित सकिया कोई बंदा। सो कोई मोर्चा मैनू लगता कि उन्होंने उल्टा ही कहना चाहिए भी असी दूजिया के नाल है, हुण अकाली दल के मोर्चे का कोई साथ देने की लोड़ नहीं। किहड़े बयान नूं लैके मैं कह रहा कि थानू ये तमाम मुद्दे ते अज असी इहदे ते भी एक चर्चा रखी भी है, ये लड़ाई लड़ांगे बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी आपकी जी जान की बाजी लगा देगी लेकिन जिहड़ा चंडीगढ़ का आपका हक नहीं छड़ेगी और चंडीगढ़ का हक चंडीगढ़ पंजाब नू लेके रहेगी और असी लड़ाई लड़ांगे, चाहे सड़क ते लड़नी पवे चाहे कुछ भी करना।